सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं जस फ्रॉम सैमन जस हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई। दोस्तों आज फिर आपका क्वेश्चन का आंसर, और आज का क्वेश्चन भी बहुत अमेजिंग है। और ये क्वेश्चन सलीना ने किया है, और ये किया है उन्होंने हांगकांग से। क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, और क्वेश्चन है आज का हेयर डेफिनेशन। उन्होंने बोला हेयर की डेफिनेशन क्या है, तो मुझे भी लगा कि मुझे इसका आंसर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हेयर स्टाइलिस्ट ऐसे मैंने भी देखा, क्योंकि हम लोग जब शोज करने जाते हैं, किसी ने 10 साल से काम किया हुआ है, 20 साल से काम, बड़े बड़े सीनियर्स आते हैं वहाँ पे हम लोग के शोज में, और जब बात होती है तो बोलते हैं सर बहुत सालों से काम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर उनसे पूछो हेयर की डेफिनेशन क्या है तो वहीं पर रुक जाते हैं। अरे हेयर की डेफिनेशन, अरे हाँ यार हेयर की डेफिनेशन जो है वो नहीं पता हमें, तो इस ये भी एक वजह थी। बाकी क्वेश्चन जैसे आप लोग कर रहे हो, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप लोग के क्वेश्चंस के सभी आंसर्स दूँ, और स्टेप बाय स्टेप आई एम ट्राइंग टू गिव यू ऑल द क्वेश्चंस आंसर। तो चलिए आज देखते हैं हेयर साइंस। और एक बात, इसको आप लोगों को क्यों और गौर से सुनना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अभी ना पीछे मेरी और आयान प्रताप सिंह, जो हमारे साहबजादे हैं मेरे बेटे की, हम दोनों की बात हो रही थी, मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी। हैं तो छोटे से, लेकिन कई बार बात बहुत बड़ी बड़ी कर जाते हैं वो। तो आयान प्रताप सिंह बोलते हैं कि मतलब जिसके पास नॉलेज है उसके पास कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। देखो आयान प्रताप सिंह को तो समझ में आ गया कि नॉलेज के साथ में आप बात अच्छी कर सकते हो, मतलब आपके पास में एक कॉन्फिडेंस आता है बात करने का, और आपके पास वर्ड्स होते हैं बात करने के लिए। दूसरा, हेयर साइंस आप लोगों को क्यों समझना चाहिए उसको भी समझ लो आप। अगर आपको केमिकल काम करना है और वो बहुत अच्छा करना है, तो पहले आपको बालों को समझना पड़ेगा। मैं उनसे बात कर रहा हूँ जितने भी सीनियर स्टाइलिस्ट हैं, और उनको अगर हेयर डेफिनेशन भी नहीं पता तो वो आगे केमिकल जब करते हैं तो उनको वहाँ पे बहुत तकलीफ होती है। आपको यहाँ पे फोकस करना है ऑन हेयर साइंस, मतलब पूरी साइंस के बारे में पता करो, कैसे बाल बने हैं, क्या है, कैसे है, डेफिनेशन का तो ज़रूर पता करते हैं आज। तो मैं कोशिश करूँगा थोड़े ईजी वे में आपको समझा दूँ, और बताइएगा कि आज का आपको कैसे लगा, कमेंट में ज़रूर डालना आप लोग, और जो भी हेयर साइंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं ज़रूर पूछना, मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको सबके आंसर्स दूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज की हमारी हेयर डेफिनेशन क्या है और बाल क्या है। डेफिनेशन है, हेयर इज़ एनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल, मतलब अभी मैं आपको हिंदी में भी समझाता हूँ, एक बार इंग्लिश में लाइन बोलूँगा फिर आपको हिंदी में समझाऊँगा। हेयर इज़ एनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल, मतलब लंबे सिलेंड्रिकल जैसे आपके बाल दिखते हैं, जिसमें कैरेटिनाइज स्ट्रैंड, मतलब कैरेटिन भरा हुआ है। स्ट्रैंड भी बोल सकते हो आप, शाफ्ट भी बोल सकते हो। अगर मैं बाल की बात करूँ, स्ट्रैंड और शाफ्ट एक ही बात है। विच ग्रोज ऑन फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस, जो हमारा स्कैल्प है, एपिडर्मिस है हमारी अपर जो लेयर है, वहाँ से आपको बाहर दिखता नजर आता है, लेकिन ग्रोज फ्रॉम द सेकेंड लेयर ऑफ द स्किन कॉल्ड डर्मिस। जैसे आपको लिखा हुआ आपने देख रहे होंगे कि ये एक्चुअली सेकेंड लेयर से बाहर निकलता है, और यहाँ पे जो इसका जो रूट है हमारे बालों का वो है डर्मिस पे, और बाहर निकल रहा है एपिडर्मिस, जो हमारी फर्स्ट लेयर है। सेकेंड लेयर जो हो गई हमारी डर्मिस, जिसमें कि हमारे बालों के रूट्स हैं, उसके बारे में मैं और बात करूँगा आपसे। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द नर्व देर इज़ नो सेंस ऑफ फीलिंग इन द हेयर शाफ्ट विच ग्रोज अबव द स्किन, मतलब जो हमारे स्किन सरफेस से बाल बाहर निकला हुआ है, जब आप उसको काटते हो या आप उस पर हीट देते हो तो वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाल आप खींचोगे रूट्स के पास से अगर खींचेंगे तो वहाँ पे आपको पेन होगा, लेकिन जब आप बालों को काटते हो तो वहाँ पे आपको कोई पेन कोई हीट नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे हमारे सेंसेस नहीं है, देर आर नो सेंसेस, तो इसलिए हमें फीलिंग नहीं होती। यहाँ पे डेड सेल्स बोल सकते हो आप। सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द नर्व देयर इज़ नो सेंस, अभी जैसे आप बॉडी पे कहीं टच करते हो तो वहाँ पे आपको फील होता है, कहीं पे अगर चोट लग गई तो वहाँ पे फील होता है, लेकिन बालों पे आपको यहाँ पे कोई सेंसेस नहीं है, इसलिए आपको जब आप बाल काटते हो तो आपको दर्द नहीं होता है। तो ये है हमारी हेयर डेफिनेशन, और मुझे लगता है कि आपको सलीना समझ में आया होगा, आज का आपके जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिला होगा। बाकी जाने से पहले फिर सेम बात बार बार आके बोल रहा हूँ आप लोगों को, 1180 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के साथ आप लोग 3 महीने का जो कोर्स है ज़रूर करना। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, पूरा फुल कोर्स है, बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पे
अभी तो हमने एक चीज और कर दी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन करते हैं तो हम लोग उनको 10 वीडियोस भी साथ में दे रहे हैं। यहां अपने 1000 रुपए मतलब 1180 रुपए पे किए, यहां पे आपको 10 वीडियोस जो हमारे बेसिक लेक्चर्स हैं वो भी आपको मिल रहे हैं। ये हमने ऐड ऑन किया है, इसमें 10 वीडियोस इमीडिएटली, जैसे आपने 1180 यहां पे किए आपको जूम आईडी मिलेगी, यहां पे आपको 10 बेसिक लेक्चर्स की वीडियोस मिलेंगी जो आप घर पे बैठे आराम से देख सकते हो और वो बहुत काम आएगी आपके। इसी मुहिम में हम लोग लगे हुए हैं कि आप लोग घर बैठे बैठे सीखो और बहुत आगे बढ़ो, करिएगा जरूर। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और देश को बढ़ाने के लिए जो भी हो सके हम सबको मिलकर करना है। जय हिंद, जय भारत।